अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन दालचा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसको बनाने का मेथड भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का मेथड। मैंने यहाँ पर ले ली हूँ 1/2 kg मटन। इसी के साथ हम ले लेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले, 1 tablespoon लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 teaspoon हल्दी, 1 tablespoon ले लेंगे मीट मसाला, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर और नमक ले लेंगे टेस्ट के हिसाब से। साथ ही हम ले लेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 छोटी इलायची और आधी दालचीनी। और साथ ही हम ले लेंगे 1 कप तूर की दाल, इसको मैंने 1 घंटे तक पानी में सोक करके रख ली हूँ। 1 बड़ी चॉप की हुई प्याज, 1 टेबल स्पून ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम ले लेंगे कद्दू यानी कि बॉटल ग्रोट, और हमें इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और 2 से 3 कड़ी पत्ते ले लेंगे। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे तुअर की दाल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी और नमक। प्रेशर कुकर की लीड क्लोज करके इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। 2 से 3 सीटी आने पर आप देख सकते हैं कि दाल इस तरह से पक जाएगी। हमें इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसी के साथ हमने कद्दू को बॉईल कर लिया है, जिसमें मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इसे बॉईल कर ली हूँ। हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। इसे 2 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से तेल में आ जाए। और फिर इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज। प्याज में हम ऐड करेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। प्रेशर कुकर की लीड क्लोज करके हम मटन को अच्छी तरह से पका लेंगे। मटन को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सभी पाउडर्ड मसाले, और गरम मसाला हम आगे के यूज़ के लिए रखेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे मैश की हुई दाल, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू जो हमने बॉईल करके रखे थे, और ऐड करेंगे करी पत्ते। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे और इन सभी चीज़ों को 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। स्टेप पे हम प्रेशर कुकर की लीड क्लोज़ नहीं करेंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर रख लेंगे, यानी कि टोटल हमने 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और इसे थोड़ा सा मिक्स करके हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और हमारा मटन दालचा परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे गरम सर्व करेंगे। इसे राइस या फिर ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने इजीली मटन दालचा बन कर के रेडी हो गया है। तो आप भी इस डिश को एक बार गेस्ट के लिए स्पेशली ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है पर इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ मैं आप तक लाती रहूं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।